मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ बेटी। रुकिए, ये मेरी अर्जु 25 साल पहले मेरी जिंदगी में आई और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बनती गई। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, और इसीलिए विनोद के बाद जब इसका जन्म हुआ तब मैं बहुत खुश थी, और शायद इसीलिए ये मेरे लिए बहुत खास थी। लेकिन जब इसने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये मेरे लिए और ही खास बन गई। बेटा, क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। जब मैं इस गृहस्थी का बोझ उठाने काबिल नहीं थी, तब तू आगे आई और तुमने जिम्मेदारी संभाली। तुम्हारी भी तो चाहत थी पढ़ाई करने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों के आगे तुमने अपनी सारी चाहतें कुर्बान कर दी। और ये मेरे लिए बहुत खास बात थी। नाम के आगे डिग्रियां तो बहुत लगती है, लेकिन वो आदमी को दूसरे के लिए जीना नहीं सिखाती। लेकिन तुमने बिना पढ़ाई करके ये इम्तिहान पास कर लिया, और तुम्हारी इस अच्छाई से मेरी उम्मीदें बढ़ती गई। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि भले मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ कमाती नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई तो ऐसा लड़का होगा जो तुझे समझेगा, जो तुम्हारी डिग्रियां नहीं तुम्हारी काबिलियत समझेगा। मेरे अर्जुन में अच्छी पत्नी होने के सारे गुण हैं। इसलिए मुझे लगता था कि पापा भी इसके लिए एक अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे। हाँ, सब लोग हंसते थे मुझ पर, सोचते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। शायद वो सही भी थे, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं थी। एक मां होने के नाते बेटी की भलाई सोचना क्या गलत है? अर्जुन, मैंने हमेशा से एक सपना देखा था कि शादी के बाद जब वर्षा और वैशाली अपने पतियों को लेकर यहाँ आएंगी, तो तू भी अपने पति को लेकर मायके आएगी, और तुझे यह एहसास कभी नहीं होगा कि अपनी माँ के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और इसलिए मुझे अच्छा पति नहीं मिला। इसीलिए जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता ना, मैं यही सोचती थी कि गणपति बापा ने मेरी सुन ली, और जब वो लड़का किसी वजह से तुझे मना कर देता तो सोचते कि शायद गणपति बापा इससे भी कुछ अच्छा भेजने वाले। और एक समय ऐसा आया कि मैंने एक लड़के को इंजीनियर समझकर तुम्हारी शादी उससे करवा दी, और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो लड़का इंजीनियर नहीं, सिर्फ मैकेनिक। मैं सच कहती हूं कि
मैं हिम्मत हार गई, मैं अपने आपे से बाहर होगी। यहां तक कि मैंने पापा से भी रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सच कहती हूं कि मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी उम्मीदें टूट गई, बल्कि मैं अर्चना को दुखी नहीं देखना चाहती थी। एक ही सवाल बार बार मन में आता है कि क्यों ये सब मेरी अर्चु के साथ क्यों। लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिल गया। अर्चु ने मंगलसूत्र इसलिए उतारा क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं देख सकती थी। लेकिन मैं ये जान गई हूं कि अर्चु अपने आप को शादीशुदा मानती है। वो मानव को अपना पति मानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंगलसूत्र खोने के बाद तू बेचैन नहीं होती, वट सावित्री का व्रत नहीं रखती। सच कह रही हूं ना? हम भले लाख सोचे कि हमारे लिए हम कुछ करें, लेकिन होता वही है जो बापा सोचते हैं। और शायद बापा ने अर्चना और मानव की जोड़ी तय की हो। मुझे इस बात का यकीन तब हुआ जब संकष्टि के दिन इत्तेफाक से ये दोनों एक साथ मंदिर गए और दोनों ने एक साथ पूजा की। अब जब पापा ने इनकी जोड़ी को आशीर्वाद दिया है, इनकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर मैं कौन होती हूँ ये रिश्ता तोड़ने वाली? ये पहन ले बेटा, ये मंगलसूत्र तेरे गले से कोई नहीं उतार सकता क्योंकि ये उनकी देन है। अखंड सौभाग्यवती भव। पंडित जी ने उस दिन कहा था कि शादी संपन्न हुई, लेकिन शादी तो संपन्न नहीं हुई। हाँ, जब तक इसकी विदाई नहीं होती शादी कैसे संपन्न होगी? बिल्कुल सही कह रही है आप। कल का ही कोई अच्छा सा मुहूर्त ढूंढ निकाल लीजिए, हम लेने आ जाएंगे हमारे घर की लक्ष्मी को। आपने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, यही बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी अर्चु को संभालिएगा आप, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका सचिन क्या ब्रेक किया है यार, मजा गया। अरे सचिन, वो आई। तेरे काका कहाँ गए? अरे पता नहीं आई, क्यों? वो मैं देख रही हूँ, तेरे काका अपना बोरिया बिस्तर लपेट के कब गाँव जा रहे हैं। ये आदर्श बहू का नाटक करते करते मैं तो तंग आ चुकी हूँ।
हमें हमारे तरह की जिंदगी जीने ही नहीं मिल रही। मतलब? अरे अगर तेरे काका नहीं होते थे ना तो मैं वो करंज करके घर जाके उनकी ऐसी वाट लगाती, सात पुश्तों तक याद रखते। पॉइंट है, पॉइंट है। और वो नकचड़ी सुलोचना उसको उसके घर जाके उसकी औकात दिखाती और उसने शादी तोड़ने के पहले ये मैं शादी तोड़ देती। सही बात है भाई। मार्केट में मिली थी महारानी, मजा टोका सब फिर लेना ना। मैं वो मंजूषा के झांसे में आके ये शादी तय करती, नहीं सब होता ना। मिली बहू ना मिला दहेज। लेकिन अब मैं मेरे मानव के लिए अच्छे से अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी, तू देख। वहनी आ रही है। आखिरकार काका ने उन्हें मना ही लिया। उनके घर वाले और उनकी आई वो भी तैयार हो गई उन्हें भेजने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आई, मैं बहुत खुश हूँ आई, मैं बहुत खुश हूँ। पापा ने तेरी सुन ली बेटा। लेकिन काका ये सब पापा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरी अच्छाई की जीत है बेटा। उसी ने मुझे ताकत दी उनके पास जाने की, उन्हें मनाने की। इस घर की बहू इस घर में आ रही है, तेरी सारी खुशियां साथ लेकर बेटा। दादा बहू आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका उनके घर जाना, मिन्नतें मांगना, सर झुकाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। उनको इतनी अकड़ है तो। बहू मैंने जो कुछ भी किया है मेरे मानव के लिए किया है। और रही बात अर्चना की, तो वो इस घर की बहू है। इस घर के होते हुए वो अपने मायके रहे ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और अर्चना के रूप में इस घर की गृहलक्ष्मी इस घर की चौखट पर आ रही है। लक्ष्मी हमारे घर आ रही है बहुत अच्छी बात है। अरे बहू कहाँ जा रही हो? अरे कम से कम सबका मुंह तो मीठा कराओ। दादा पहले खुशखबरी चाली वालों को देख के आती हूँ, बाद में घर में। हाँ ये नहीं बदलेगी। बस नहीं। अरे पूरी तरह से अभी बालों में तेल कहाँ लगा है? हाँ पता है, लेकिन अब मुझे आदत बदलनी होगी। पिछले 16 साल से तू ही मेरे बालों में तेल लगाती आ रही है, लेकिन अब वहां वहां कौन? अरे हाँ एक चीज तो मैं भूली गई। क्या चीज आई? ये देख। ये तो वही साड़ी है ना जो तू बचपन में हमेशा मुझसे मांगा करती थी पहनने के लिए, और तू मुझे कभी नहीं देती थी। मैंने ये सहेज कर रखी थी ताकि तुझे विदाई के वक्त दे सकूं। आज से ये साड़ी तेरी हो गई। आई ये सब बचपन से लेकर आज तक की तेरी सारी चहेती चीजें पैक करवाई हैं मैंने तेरे लिए। याद आ रहा है हम कोल्हापुर गए थे? हाँ याद है मुझे। ये मेरी ड्राइंग बुक है ना, ये तुमने अभी तक संभाल कर रखी है? हाँ कुछ भी कहो। हाँ अर्जू तू ड्राइंग में बहुत ही कच्ची थी, आम बनाने चाहती थी और तरबूज बना देती थी। और तू बहुत चिढ़ती थी ना मुझ पे, और फिर तुम रूठ जाती थी, और फिर मेरी रूठी हुई अर्चना को मनाने में मुझे बहुत मजा आता था। फिर जैसे जैसे तू बड़ी होती गई तो मुझसे रूठना ही भूल गई,
मेरी हर बात बिना कुछ कहे मानते ही गए, यहां तक कि शादी की बात भी। कितनी मुश्किलों के बाद ये दिन आया है नार्जू। कल तू अपने घर चली जाएगी नई जिंदगी बसाने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जितनी अच्छी बेटी है ना, उतनी ही अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, वो घर, वो लोग तेरे लिए नए होंगे बेटा। हो सकता है कि उनके मन में कुछ कड़वाहट हो, लेकिन उस कड़वाहट को तुम्हें अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से मिठास में बदल देना। अब चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो तेरा घर है। आई, मैं जिन संस्कारों में पली बड़ी हूं ना, उन संस्कारों की हार नहीं होने दूंगी मैं। लाऊंगी। फिर क्या हुआ? अरे डर गई बेटी को घर में रखने का, बोली वो रोने लगी, मेरे पांव पकड़ने लगी, कैसे भी करके मेरी बेटी को लेके जा। तो मेरी बेटी को स्वीकार करो, अपना मूड नहीं था, फिर भी मुझे तरस आया। मैं बोली जाने दो, बेचारी बेटी है, उसकी जिंदगी क्यों मैं मुफ्त में गंवा दूं, है ना? तो मैंने हाँ बोल दिया। सच सविता, तूने तो कमाल कर दिया। अरे मैं तो हुई कमाल की चीज। हाँ देखो, कल हमारे घर में मुंह दिखाई की रस्म है, तो सब आना मिठाई खाने के लिए, और आपके मुफ्त में मिठाई नहीं खानी है। आते समय बड़े बड़े तोहफे लेके आना, कैश भी चलेगी। आएगा, समझी ना, ध्यान में रखना। अभी चलो, मुझे जरा भी टाइम नहीं है, मुफ्त का टाइम नहीं गवाती मैं। चलो चलो, निकलो, मुझे घर जाके सब तैयारी करनी है। चलो निकलो। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे इस घटिया परिवार की असलियत जान गई हूँ। कैसी मार है आप? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। बस हो गया। अरे आप क्या बोलेंगी? आप बस मान लीजिए कि आपके दोनों बेटे नालायक हैं। आज मैं देखती हूँ ना, कौन रोकता है मुझे बहू को लेके जाने में। मेरी बेटी आपके घर नहीं जाएगी, हर हालत में नहीं जाएगी। सुलोचना, अब तेरी बारी है, मैं राह देख रही हूँ तेरी। तूने जो जो मेरे साथ किया है, उसका मैं पूरा पूरा बदला लेने वाली हूँ। पुराने जमाने में कहते थे, राजा की जान तोते में होती थी। सुलोचना, तेरी जान तेरी बेटी है, अब ध्यान में आएगा तुझे, सविता के साथ पंगा लेके
क्या अल्जाम होता है? ध्यान में रखो, छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे।